बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक दिन पहले अपने मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी के सिर पर श्रद्धांजलि सभा का फूल डालने के लिए चर्चा में आए थे। इसके पहले उन्होंने डॉक्टर चौधरी का सिर एक पत्रकार से टकरा दिया था। उसके पहले नीतीश कुमार ने एक बार धरती के खत्म होने की भी बात कही थी। नीतीश ऐसे नहीं थे, लेकिन ऐसा व्यवहार और ऐसी बात अब ज्यादा आ रही है। इन्हीं बातों के आधार पर उनके पुराने साथी और पूर्व सांसद अरुण कुमार ने आरोप लगाया था कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मुख्यमंत्री नीतीश को गलत हवा दे रहे हैं कि मेमोरी लॉस हो। लेकिन मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ ऐसा बोल गए, बताया भी नहीं जा सकता। आपको बता दें कि सीएम नीतीश को बताना था कि लड़कियों की शिक्षा के कारण बिहार में जन्म दर नियंत्रित हो रहा है, लेकिन उन्होंने सदन में ऐसी बात कही जिससे मर्यादा तार तार हो गई। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जो बातें कही हैं, उसे शब्दशः नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि उन्होंने काफी अमर्यादित बातें कही हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिक्षा के कारण बिहार में जन्म दर गिरने की बात बताना चाह रहे थे, लेकिन वह इतना कुछ बोल गए कि वह वायरल हो गया। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को ही बिहार में जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आरक्षण का प्रतिशत 50 की जगह 65 करने का प्रस्ताव दिया। इसके अलावा उन्होंने राज्य में 6000 से कम मासिक आय वाले 94 लाख से ज्यादा परिवारों को आर्थिक मदद की योजना लाने पर प्रस्ताव दिया। इन प्रस्तावों को विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के शेष 3 दिनों के अंदर सरकार अंतिम फैसले तक पहुंचाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया भी आ रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने विधानसभा में जिस तरह का अमर्यादित बयान दिया है, उससे वो सभ्य समाज का प्रतिनिधित्व करने लायक नहीं रह गए हैं। गिरिराज सिंह ने उनके इस्तीफे की मांग करते हुए लिखा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं भाजपा नेता निखिल आनंद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने शरीर, दिमाग और दिल पर नियंत्रण और संतुलन खो दिया है। उन्होंने लिखा कि नीतीश जी अपने जीत से बिहार को किस रसातल में ले जाएंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सदन में मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा, सत्ता पक्ष हंस रहा है, सत्ता के नशे में इन्हें शर्म भी नहीं आती है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नीतीश कुमार जी, आप मुख्यमंत्री हैं और आपने सदन में महिलाओं व देश की नारी शक्ति के बारे में क्या टिप्पणी की, यह बहुत अशोभनीय है, शर्मनाक और निंदनीय है। तो वहीं भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश जी शर्म करो, महिलाओं के बारे में अश्लील, अभद्र, अपमानजनक टिप्पणी से पूरा बिहार शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। ऐसी टिप्पणी करने की हिम्मत कैसे हुई, देश की महिलाओं से माफी मांगे। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा। इस तरह से मुख्यमंत्री अपने बयानों में ही घिर गए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।